हेलो एवरीवन, अभी हमने एक न्यूमेरिकल करा जिसकी लेंथ है 400 मीटर वेयर द मिड सेक्शनल एरिया मेथड। इस न्यूमेरिकल में क्या था, हमने जो न्यूमेरिकल करा इसके अंदर बैंकिंग भी आ रहा है, कटिंग भी आ रहा है, बट हमको ये चेक करना है कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड से हमारी क्वांटिटी कितनी आती है और मीन सेक्शनल एरिया मेथड से हमारी क्वांटिटी कितनी आती है। सो लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल अगेन विद द हेल्प ऑफ मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब मीन सेक्शनल एरिया मेथड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेप्थ जो रहती है ये डेप्थ का एवरेज लेते हैं मिड सेक्शनल में, और मीन सेक्शनल में क्या करते हैं, ये जो भी एरिया आता है इस एरिया का एवरेज लेते हैं। तो इससे हमारे न्यूमेरिकल की आंसर्स पे जो एस्टिमेट निकालेंगे वो कितना फर्क पड़ेगा, लेट सी द आंसर्स। ओके, सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल, लेट डिस्कस इट वंस अगेन। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क फॉर अ पोर्शन ऑफ रोड हैविंग अ लेंथ ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ऑलरेडी डेटा दे रखा है 25 चेनेस से लेके चेनेस नंबर 35 तक। The formation width of the road is 10 meter and the side slope are 2:1 for banking and 1.5:1 for the cutting. मतलब slope कितना है, 2:1 for the banking and 1.5:1 for the cutting. Formation width आपको दे रखी है 10 meter और साथ ही साथ आपको इसके अंदर slope भी provided है। Slope मतलब gradient. Gradient है 1/200 in downward direction. This all the data is already given in the question. अब यहाँ पर सेम आपको पता है, यहाँ पे हमने एक लाइन इसीलिए छोड़ी है ताकि ये सेक्शन कटिंग से बैंकिंग पास हो रहा है, बट एग्जाम के लिए आप क्या करिएगा, हर एक चेनेज के बाद एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा। जैसे 25 के बाद एक लाइन छोड़ के 26, 26 के बाद एक लाइन छोड़ के 27, 27 के बाद एक लाइन छोड़ के 28, जिससे कि आपको कहीं पर भी बैंकिंग कटिंग डालना हो तो आप उस हिसाब से इसको डाल सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आरएल ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, आरएल ऑफ फॉर्मेशन होता है लेंथ इनटू ग्रेडियंट। तो लेंथ कितनी है, हर एक चेनेज की जो लेंथ है वो हमको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 40 मीटर इनटू ग्रेडियंट कितना है, 1/200। सो 1/5 मींस 0.2। हर बार वैल्यू कितनी होगी, हर बार वैल्यू 0.2 कम होती जाएगी, मतलब पहले 52.0 है, हर बार वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। यहाँ पर हमको एक ही टाइप का ग्रेडियंट है, बट हमने जो पुराना न्यूमेरिकल करा था उस न्यूमेरिकल में दो टाइप के ग्रेडियंट थे, जो एक पर्टिकुलर चेनेज तक इतना हो रहा था, फिर उसके बाद वाले चेनेज पर इतना हो रहा है, बट इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हर बार 0.2 की वैल्यू कम करते जाएंगे, क्योंकि हर बार स्लोप चेंज होता जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 51.8, 51.6, 51.4, 51.2, 51.0, यहाँ पर कुछ नहीं, फिर आ जाएगा 50.8, नेक्स्ट 50.6, 50.4, 50.2 एंड द लास्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी 50.0। तो यहां से हमने क्या करा, आरएल ऑफ ग्राउंड हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था और फर्स्ट आरएल ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। अब क्या करेंगे, हम इसको आरएल ऑफ ग्राउंड और आरएल ऑफ फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ सबट्रैक्ट करेंगे ताकि पता चल सके कितना है। अभी लेवल कितना है, 51 चाहिए, कितना 52 चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, 52 माइनस 51, तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आरएल ऑफ ग्राउंड, तो दिस माइनस दिस, दिस कम्स आउट टू बी 1.0। 51.8 माइनस 50.9, सो दैट इज 0.9। 51.6 माइनस 50.5, दैट इज 1.1। 51.4 माइनस 50.8, दैट इज 0.6। 51.2 माइनस 50.6, अगेन 0.6, दिस इज कम्स आउट टू बी 0.3। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको लिख लेते हैं 0। अब आप देखिए अगेन ये वाली वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। माइनस मतलब यहाँ से मेरा सेक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कटिंग में चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो ये दिस माइनस दिस माइनस 0.4, 50.6 माइनस 51.4 माइनस 0.8, ये वाली वैल्यू कुछ गड़बड़ है क्या, 51.2, 51.4, 51.3, ओके ये कितना है 51, और ये 50.4 माइनस 51.3, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 0.9। 50.2 माइनस दिस माइनस 0.8, 50 माइनस दिस माइनस 0.6। तो ये वाली सारी वैल्यूज हमने निकाली डेप्थ की। यहाँ पे माइनस का क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये सारा सेक्शन किस में जा रहा है, कटिंग में जा रहा है, तो बैंकिंग वाले को हम यहाँ पे डैश कर देते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में बैंकिंग नहीं आएगी, और ये वाली सारी वैल्यूज प्लस में, मतलब यहाँ पर कोई भी कटिंग सेक्शंस नहीं आएंगे, तो इतना इतना बैंकिंग आएगा, इतना इतना कटिंग आएगा।
ओके नेक्स्ट सेंट्रल एरिया। अब जैसे आपके पास ये रोड का एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, तो रोड के सेक्शन में ये ट्रेपेज़ॉइडल शेप को अपन ने यहां से काट लिया, तो ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रल एरिया। कौन सा एरिया होता है ये? सेंट्रल एरिया। और ये वाला दोनों मिला के बनते साइड एरिया। तो अभी हम क्या करेंगे, सेंट्रल एरिया ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? बी इंटू डी, मतलब ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास डी है, तो एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू डी। तो बी कितना दे रखा है आपको? बी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर, तो 10 मीटर इंटू दिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेंट्रल एरिया आ जाएगा बी इंटू डी। तो 10 × 1 ये हो जाएगा 10, 9, 11, 6, 6, 3, 0, 4, 8, 9, 8, 6। तो यहां से हमने क्या करा, ये सेंट्रल एरिया निकाल लिया। अब यहाँ पे माइनस का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इट जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस, ताकि हमको पता चल सके बैंकिंग में कितना है और कटिंग में कितना है। अब हमको निकालना है साइड एरिया। साइड एरिया क्या होता है? एस डी स्क्वायर। जब आप बैंकिंग में जाएंगे तो एस की वैल्यू 2 होगी, जब आप कटिंग में जाएंगे तो एस की वैल्यू 1.5 होगी। तो अब आपको क्या करना है, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, 2 × 0.9 का स्क्वायर दैट इज 1.62, 2 × 1.1 का स्क्वायर दैट इज 2.42, 2 × 0.6 का स्क्वायर दैट इज 0.72, 2 × 0.6 का स्क्वायर अगेन 0.72, 2 × 0.3 का स्क्वायर दैट इज 0.18, 2 × 0 का स्क्वायर दैट इज 0। नाउ अब यहां से कटिंग आ रहा है, तो कटिंग में एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। तो 1.5 × 0.4 का स्क्वायर दैट इज 0.24, 1.5 × 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.96, 1.5 × 0.9 का स्क्वायर दैट इज 1.21, 1.5 × 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.96, एंड द लास्ट 1.5 × 0.6 का स्क्वायर दैट इज 0.54। ओके नाउ नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होता है? सेंट्रल एरिया प्लस साइड एरिया, मतलब इन दोनों का सम। तो 10 + 2 = 12, 9 + 1 = 10.62, 11 + 2 = 13.42, 6.72 = 6.72, 3.18 ये तो जीरो ही रहेगा, 4.24, 8.96, 10.21, 8.96, 6.54। यहां से हमने निकाला टोटल एरिया। अब मीन सेक्शनल एरिया मेथड में क्या होता है, हमको एरिया का मीन लेना पड़ता है, मतलब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकालते हैं मीन सेक्शनल एरिया मेथड में? A1 + A2 / 2। तो 12 + 10.62 / 2, तो ये कितना आ जाएगा? 11.31। सेम 10.62 + 13.42 / 2, सो 12.02, 13.42 + 6.72, सो दिस कम्स आउट टू बी 10.07। इन दोनों के वैल्यू सेम ही है, तो आंसर भी सेम आएगा, 6.72 + 3.18 / 2, सो दिस 4.95, 3.18 + 0 / 2 मींस 1.59, अगेन इसका भी 2.12, 4.24 + 8.96 / 2 दैट इज 6.60, 8.96 + 10.21 / 2 दैट इज 10.12, 10.21 + 8.96 / 2 दैट इज 8.96। नाउ 10.12 / दिस इज 9.54, ऊपर वाला भी शायद गलत है, 8.96 + 10.121 / 2 दैट इज 9.54 अगेन, एंड द लास्ट 8.96 + 6.54 / 2 दैट इज 7.75। ओके अब क्या करना है, सभी में लेंथ अप्लाई करना है, तो लेंथ सभी के केस में कितनी है? 40 मीटर, तो 40 40 40 40 40 40 40।
ये दो वैल्यूज क्यों छोड़ी? क्योंकि ये यहां से क्या हो रहा है, पासिंग फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग, पासिंग फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन बैंकिंग के पास आ रहा है ये 40 मीटर में से, और कुछ पोर्शन कटिंग के पास जा रहा है। जैसे अगर ये मेरे पास एक रोड है, यहाँ पर ये बैंकिंग है, यहाँ पर एक कटिंग है, तो पूरा बैंकिंग पे नहीं है। आप देखो इसकी वैल्यू 0.3 तक बैंकिंग के पास था, फिर 0.4 यहाँ चला गया, मतलब कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है बीच में कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन तक बैंकिंग के पास है, फिर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में कटिंग के पास है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए चेनेज नंबर 30 की बात करें तो चेनेज नंबर 30 पे इसकी वैल्यू कितनी है डेप्थ की, 0.3। अब मैं चेनेज नंबर 31 पे आता हूं तो 31 पे डेप्थ कितनी है, 0.4। इसको एक सेक्शन बना लेते हैं। ये टोटल हमारे पास जो स्पान है, ये टोटल स्पान कितना है, 40 मीटर का है। तो ऐसा मानते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे बैंकिंग था, फिर एक्स के बाद 40 माइनस एक्स पे वो कटिंग हो गया, मतलब इतने इतने पे बैंकिंग था, इतने इतने पे कटिंग था। समझिए चेनेज नंबर 30 है और चेनेज नंबर 31 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है। तो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे बैंकिंग खत्म हो गया और 40 माइनस एक्स पे कटिंग स्टार्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाइट अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो कैसे हो जाएगा, 0.3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 40 माइनस एक्स। कैसे निकालते हैं, हाइट अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू दिस 12 माइनस 0.3x इक्वल्स टू 0.4x, तो 12 इक्वल्स टू ये उधर चले जाएगा तो 0.7x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 0.7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी नियरली वैल्यू आएगी 17 मीटर के आसपास, मतलब 17 मीटर तक बैंकिंग हो रही थी, फिर 23 मीटर से कटिंग स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 40 मीटर के स्पान में बैंकिंग कब खत्म हो गया हमको पता ही नहीं चला। क्यों, क्योंकि उसके पहले की वैल्यू 0.3 थी, उसके बाद की वैल्यू 0.4 माइनस में आ गई। अगर ये वैल्यू कहीं बीच में जीरो होती तो हमको पता चल जाता बैंकिंग से कटिंग जा रहा है, बट बैंकिंग से कटिंग 40 मीटर में से बैंकिंग कितना, तो ये हमने कैलकुलेट करा बैंकिंग 17। तो अब ये वैल्यू 17 आपको यहां लिखना है और 23 मीटर पे कटिंग लिखना है। क्यों, क्योंकि यहां से 23 आ रहा है और यहां से 17 आ रहा है। ओके, अब फाइनल क्या निकालना है आपको, क्वांटिटी। क्वांटिटी किस में आएगी, आपकी मीटर क्यूब में। तो क्वांटिटी कैसे निकालते, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कितना है, 11.31 इंटू 40, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 452.4। 12.02 इंटू 40, तो दैट इज 480.8। 10.07 इंटू 40, दैट इज 402.8। 6.72 इंटू 40, दैट इज 268.8। 4.95 इंटू 40, दैट इज 198। एंड द लास्ट बैंकिंग इज 1.59 इंटू 70, दैट इज 27.03। नाउ कटिंग, 2.12 इंटू 23, दैट इज 48.76। 6.6 इंटू 40, दैट इज 264। 9.54 इंटू 40, दैट इज 381.7। अगेन 9.54 इंटू 40, दैट इज 381.7। 7.75 इंटू 40, दैट इज 310। तो जब आप ये सारी कटिंग की वैल्यू को प्लस करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 1386। और जब आप ये सारी बैंकिंग की वैल्यूज को प्लस आउट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1830। अब आपको याद होगा कि जब हमने मिड सेक्शनल एरिया मेथड से करा था तो उसकी वैल्यू आई थी 1821 और इसकी वैल्यू आई थी 1385। मतलब आप चाहे मिड सेक्शनल एरिया मेथड से करो, आप चाहे मीन सेक्शनल एरिया से करो, इसका आंसर नियरली अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। मतलब आप किसी भी मेथड से करेंगे तो इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक्यूरेटली मिलेगी। तो देखिए आप कितना डिफरेंस है, 1821 हमने जो इसके प्रीवियस करा और इसके मेथड से आया 1830, ये तो बिल्कुल कटिंग का तो एग्जैक्ट आ रहा है 1385 एंड 1386। अब इसकी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट में रख देंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक रोड के लिए लेवल करेंगे तो हमको टोटल कितना खर्चा आएगा।
सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन वाला लेवल लेंगे। फॉर्मेशन मतलब जिसमें आपको जो ग्रेडियंट है वो अपवर्ड ग्रेडियंट दे रखा होगा। अभी तक हम डाउनवर्ड ग्रेडियंट ले रहे थे, अब इस बार हम एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लेंगे। ओके, थैंक यू।